अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल है? क्या कहो, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सही, माशाल्लाह ठीक हो तो ठीक ठाक। बुखार नहीं आई, नस्ल वाली था ना, बुखार है ना, जुकाम था ना, कुछ था ना, दो ही मंगे थे लोग कहते हाँ, लोग खैर आ गए कड़न से। अच्छा सारे वो देखने वास्ते कितने हमें दुआ, हाँ बहुत दुआ की थी उन्होंने को कितने। अच्छा हाँ, जिन्हें पैसे नहीं थे मैं ये खर्च किया गया और चिल्ले से बता रहा। अच्छा जेड़े अबू जान वास्ते पैसे भेजे आने वो सारे नहीं लाए, अल्लाह के रास्ते थे, अल्लाह के रास्ते तो लाते सी, अल्लाह से कबूल करा सी, दो ही मंगे ने अल्लाह से, या उन्हें खैर कर ले अल्लाह से, मेहरबानी कर, अल्लाह से ना कुछ पैसे देते तो मैं आ गया तेरे घर पे। हाँ से अभी अभी आए हैं मसाज से होने, तो मसाज हमारा बहुत बीमार है, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है तो बहन भाइयों को दिखाने के लिए। हाँ जी। तो वीडियो का मकसद तो बहन भाई समझ गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक है, आप साहब बहन भाई की दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का टाइम हो चुका है तो हम भी हाजिर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, वीडियो फॉलो वॉच कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इंशाल्लाह सुमैया भी हमारे साथ बैठी है, पता नहीं ये क्या कह रही है। सुमैया आपकी क्या है, गर्मी है? हाँ जी। तो है पौनी लगाओ, चलो ठीक है आपको पौनी लगाती हूँ। तो ये कह रही है मुझे पौनी लगाओ, तो ये अभी नहा कर आई है, इसके बाल देखो मेहंदी लगाई है, ईद की तैयारी बना रही है ना, ईद की तैयारी है माशाल्लाह। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा भाई है आसिफ भाई, क्योंकि उसकी तबीयत पहले भी बेहतर नहीं है और कल फिर भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ईद का दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हर किसी को ज़रूरत होती है ईद के दिन की खुशी की, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रोने लगते हैं, अबू जान हमको ईद के लिए कोई सामान वगैरह दिला दो, हम ईद की खुशी भी करनी है, घर का जो सर्कल होता है वो भी चलाना होता है ना, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप बहन भाई जो है हमारे देखने वाले, इंशाल्लाह हमारे भाई के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हमारा भाई जल्द ही जल्द सियातयाब हो जाए। खुशी का दिन है, बहुत खुशी होती है हर इंसान को, अपने माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए, तो बच्चे अकेले भी नहीं खुशी कर सकते, माँ बाप बच्चों के लिए अकेला नहीं खुशी कर सकता, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा दे उनको। तो आप बहन भाई दुआ करनी है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये मेरा मसात है, इसकी तबीयत तकरीबन 15 दिन हो गए ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसको गुर्दू का मसला है, अल्लाह पाक खैर करे। तो आज जो ये बीमार हो गया था, मुझे पता चला मैं सिटी में मौजूद हूँ, इसकी मोबाइलों की दुकान थी, ये पुराने मोबाइल लेता था, ख़रीदता था, आज इनका जो काउंटर है ना, ये देखें सारा इधर लाइनें लगी हुई होती थी, इस साइड से लगा के ना, और इस साइड तक सारे मोबाइल ही मोबाइल होते। ये मसाद की रिपोर्ट है, क्या चीज़ है किशायात? ये जो है ना, गुर्दे के जो यानी कि इन्फेक्शन वगैरह होता है उसकी है, ये आखिरी रिपोर्ट है, इससे मेरे को बेहतर हो रही है इन दवाइयों से। अच्छा, ये है पहले की। और शापर फुल है रिपोर्टिंग का, पता नहीं कितनी दिन के, तकरीबन 10,000 दवाई का लगता है मेरे ख्याल में इंजेक्शन का। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो सही है इंशाल्लाह। या 18 जो है ना रिपोर्टें वो घर रखी हुई हैं, वो जो ना फाइल में है सारी, तो फाइल वाली घर रखी हुई है, वो साथ नहीं मिल गया है, वो रखी है वो। अभी दुकान पर जो आते हो आपके पास मोबाइल वगैरह इतना जो रखे थे, तकरीबन मैं पहले आता था 20-30 मोबाइल रखे थे होते थे, अब वो सारे चले गए, इसी दवाई पे लग गए, मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है,
इसी बीमारी की वजह से दवाइयाँ ले लेके सारे मोबाइल भी बेच दिए, दवाइयों पर लगाया, अब कर्जा भी ऊपर हो गया है। घर के आप बता रहे कि बेटी के 4 बच्चे हैं जिनमें से 3 जो है ना वो बहुत ही बीमार हैं, वो भी बीमार रहते हैं। उनको भी जो है ना सोरख वगैरह और जो है ना जिसको माता बीमारी कहते हैं, छाले हो जाते हैं ना जिस्म पे, वो हो गया है उनको, और बुखार भी होता है साथ। उनकी दवाई भी अलग से चल रही है, वरना बहुत ही अजमाइश वाला वक्त आया हुआ है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, हम ये वीडियो डाल रहे हैं इंशाल्लाह, कोई हमारा बहन भाई देख रहे हैं। मेरा सगा मसात है इसकी जितनी भी हो सके। कहाँ से उठा लिया पक्का आम? ये आम मैंने दिया तहर खान को रोटी के लिए, ये छोटा सा। हाँ अच्छा, तो अभी उन्होंने कहा जो हम देख के रोटी खाने से राज गए हैं पहले। अच्छा, देख के राज गए हैं। हाँ, ये आम है बहुत बड़ा, इतना बड़ा नहीं खाया जाता। अच्छा इसलिए हम उठा के खड़ी हूँ। अच्छा हाँ जी, तुम्हारा दिल कहता है मैं खा जाऊँ? हमारा दिल कहता है हम खाऊं, क्योंकि हमारा मैदा बर्दाश्त नहीं करता आम खाने से। आम खाने से गर्म है, बहुत गर्म है। हाँ, हाँ, गर्म चीज खुद नहीं खाती, नहीं खाती मेरी तरह। हाँ, तो इसलिए मैं सिर्फ उठा के खड़ी हूँ। जो कोई बहन भाई का दिल कहता है आम खाने के, तो आम को खुद बताए हम दे सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ी पेटी बना के। हाँ जी, चलो सही है। इधर ताहिर खान अबू जान के कपड़े सी रहा है, अबू जान भी आज आ गया है। हाँ जी, तो अभी आपको मिलवाएंगे। हम गए थे सिटी, वहाँ से अभी आए हैं मसाज से होने। तो मसाज हमारा बहुत बीमार है, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है तो बहन भाइयों को दिखाने के लिए। हाँ जी, तो वीडियो का मकसद तो बहन भाई समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। तो क्योंकि हज का आज दिन है, कल ईद है, जैसे हाँ, आपने बताया है ना। हाँ जी, मैं तो सुबह बताया था बहन भाई को, तो अभी अभी बताया है ना वीडियो में आपने। हाँ, अभी भी तो हर इंसान की खुशी होती है। हाँ, ये दिन हर किसी के लिए खुशी का होता है। का तो उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उसकी वाइफ भी बीमार है। हाँ, वो भी अपनी हस्ती पे मसरूफ है। हाँ, बहुत मजबूर है, तंग है, क्योंकि वो भी अपनी हालात में अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। जब आज मेरा दिल करता है कोई अच्छी चीज़ आपने बच्चों को दिला दूँ, कोई कपड़े वगैरह दिला दूँ, और जूते, कोई जो सामान होता है मंझारी वाला वो दिला देता हूँ, और क्यों नहीं, उसका तो दिल कहता है ना। हाँ जी, तो वो ना उसकी वाइफ करने वाली है, ना खुद भी करने वाला है हमारा भाई। पहले कुछ ठीक था, मोबाइल खरीदता है, ये पुराने वाले खरीद के ना मोबाइल वो सेल करता था, दुकान छोटी सी ली थी सिटी में। हाँ जी, तो 30-20-10 मोबाइल ले लेता था। हाँ जी, कुछ पैसे थे, उन फुर्सत होती थी। हाँ, तो अब वो अपने पर दवाई पे लगा के, आज मैं उसका काउंटर जाके देखा तो काउंटर खाली था, जो हाथ में मोबाइल उसने पकड़ा हुआ था ना वो किसी और का मुझे बता रहा था, रोने लग गया था कि ये भी मोबाइल आलवा मैंने लिया, इसके पैसे मैं अपने ऊपर लगा चुका हूँ, तो मेरी इतना फुर्सत नहीं है, तो मेरी वीडियो लगाओ इंशाल्लाह कहीं से अल्लाह पाक वसीला। हमारा बहुत भाई प्यारा है, बहुत मजबूर है, मेरा सगा मसात है, मेरी मासी का पुत्र है, हमारी फूफी का बेटा है, हमारा भी मुलेर है, हमको भी इतना दिल को अफसोस आता है। ईद का दिन है, कल फिर से उसकी तबीयत बढ़ गई, कल उसने फिर वो कह रहा था कि 4500 रुपए का एक ऑब्जेक्शन लगवाया, और डेप्यूटी लगवाई, 10,000 रुपए लगता है एक दिन का। हाँ, एक दिन का लगता है, क्योंकि इतनी मजबूत है, इतनी तांग, उसका अबू भी करने वाला नहीं है। हाँ, तो उसकी अम्मी भी करने वाली नहीं है, वो और उसके छोटे बच्चे को वो निकला हुआ है, बता रहा था वो जो सोरख हाँ सोरख वो निकला हुआ है। मैं भी फुर्सत में नहीं हो सकी, क्योंकि मैं चल के उसको देखा हूँ, तो मैं भी नहीं पहुँच सकी। तो इंशाल्लाह दुआ करनी है हमारे भाई के लिए। तो जो हम एक बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई के लिए जो बहन भाई देखने वाले हैं, तो आप सब समझ लोगे, क्योंकि ये बात जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं, उसकी दवाई का इलाज का खर्चा नहीं है। हाँ, ये बात है। तो इंशाल्लाह आप बहन भाई ज़रूर उसके लिए तावन किया जा रहा है। अभी जो ये ले आई है अपने ईद वाले सूट। हाँ, जो मैं सिलाई किया था ना सुबह। हाँ, तो फिर ताहिर खान सिलाई करने लग गया है। हाँ, हाँ जी, अभी मैं एक सूट सिलाई करनी है, तो ये सूट जो सिलाई किया है ना, ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसको बना के रखना है। तो कहाँ पे? कल सुबह बच्चे पाएंगे। ये बच्चों के हैं? हाँ जी, ये
बच्चे के है। हाँ जी ठीक है जी। ये कमीज है, ये इसकी शलवार है, ये देखें, ये है पूरा सूट, ये इसका है दुपट्टा, ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, और ये दूसरा सूट है, ये सिलाई की थी मैंने, ये खुद लगाई है लेस? हाँ खुद लगाई है मैं आपने। अच्छा आपने हाथों पे लगाई है? बड़ा टेलर बन गई हो। हाँ तो टेलर तो है, ऐसे तो नहीं कपड़े सिलाई होते। हाँ हाँ मेहनत करनी होती है ना, जब मेहनत इंसान करता है तो उसका सिला भी मिलता है। हाँ जी हाँ। ये है कमीज, ये है उसकी सलवार। ठीक है जी रख लो। ये देखिए वो बापा जब मेला बांध के, ये है सिलवार, ये काटन की है। अच्छा काटन की है? हाँ ये काटन की सिलवार आकड़ी हुई। हाँ माया होता है ना काटन का, माया होता है। ये देखिए इसको आकड़ आ गई है। हाँ इसको आकड़ आ गई है। और ये है इसका कमीज। अच्छा जी ये भी खुद 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 आपने लगाया है? हाँ ये भी मैं खुद ने लगाया है, ये वाली लेस। हाँ जी ये देखिए इधर भी लगाई थी, कपड़े के मिलाप की लगा दी, एक ही रंग जैसी, एक रंग जैसी। अच्छा क्योंकि ये सब्ज है ना, इसको सब्ज लगी है। ये देखिए ये फिराक बनाया है, फिराक बन चुका है। हाँ। वो है ना वो पीला है, उसकी सलवार पीली है, उसको पीली लगाई है। ठीक है हाँ जी जबरदस्त। हाँ जी ये कपड़े मैंने सिलाई की है बच्चों के, तो इंशाल्लाह इसको बना के रख देती हूँ, इंशाल्लाह कल सुबह होगी तो बच्चे पाएंगे। तुम्हारा सूट नहीं है क्या? नहीं हमारा नहीं है, हमारा आप खुद फुर्सत नहीं है, हमने नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल है? क्या कहो सर, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सही, माशाल्लाह ठीक हो तुम? तबीयत क्या हाल है? ठीक ठाक बात बोलो रे, ठीक ठाक सब ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। आप सुना आप कैसे हैं? ठीक है आपकी तबीयत? अच्छा ठीक है माशाल्लाह। आपका चिल्ला कैसा गुजरा? अरे बेहतरीन, एक बुखार नहीं है, नजर नहीं था ना, बुखार है ना जुकाम था ना कुछ था ना, दो ही मंगे थे लोग कहते थे। अच्छा हां लोग खैर आ गए कदन से माशाल्लाह। अच्छा सादे वो देखने वाले वास्ते कितनी हमें दुआ? हां बहुत दुआ की थी उन्होंने को पता है। अच्छा हां जिन्हें पैसे नहीं थे मैं ये खर्च किया गया और चिल्ले से बता गया। अच्छा जेड़े अबू जान वास्ते पैसे भेजे आने वो सारे मिला के अल्लाह के रास्ते थे। अल्लाह के रास्ते तो लाते सी अल्लाह से कबूल करे, दो ही मंगे ने अल्लाह से आने खैर कर ले, अल्लाह से मेहरबानी कर। हां अल्लाह से ना कुछ पैसे देते तो मैं आ गया तेरे घर पे। माशाल्लाह हां अल्लाह कामयाब। 7-8 मस्जिद में फिरे थे 8 का। अच्छा हां मुल्तान को लाके जाओ मन से रात कुरम अंजन सी, कुरम अंजन सी पहाड़ पहाड़ पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी पहाड़ पहाड़ चढ़ते चढ़े पहाड़ बड़े चलते मकान चाड़ी हो जाए। अच्छा बड़े पहाड़ ठंडा इलाका गर्म ठंडा बेहतरीन ओ हवा इमें मैं पंखा भी करी नहीं है इधर पंखा कौन बोली हूँ पता इतना गर्मी है इतना ये गर्मी है इतना गर्मी में पंखा आ जाए एक घंटा थी जब बुक आए हुए तो इतना गर्मियों को हवा इधर भी नहीं लगी तो जरा वो कहता है क्योंकि हम जो रात को असर की अजान होती है ना तो हमको ठंड लग जाती है अंदर सुनते हैं मस्जिद में कपड़ा पहने रात को मस्जिद सुन जावे हाँ कपड़ा पहने अच्छा वक्त गुजर गया अल्लाह पाक फिर भी बुलाया अपने रास्ते में इंशाल्लाह। तो ऐसा फोन किया था आपको तो फोन नहीं उठाया हम परेशान हो गए। क्या उधर सिग्नल खम्भे नहीं है ना
जब हमने फोन मिलाया और वहाँ खम्भे नहीं है, वहाँ सिग्नल नहीं है, नेटवर्क का मसला है उधर। सही बात है, सिग्नल कहना है। अच्छा सा के अल्लाह के रास्ते तक गए थे ना, आप अल्लाह से उन्हें दी हिफाजत करें, हिफाजत वो करना है नहीं किया। तो खैर खुशी से आज अबू जान हमारा आ गया है घर में, तो इंशाल्लाह साहब बहन भाई दुआ करनी है, तो हम भी दुआ करते हैं आप बहन भाइयों के लिए, तो अबू जान भी आपके लिए दुआ करता है, क्योंकि आप जो बहन भाई अबू जान के लिए पैसे भेजे थे उनको खुशी आ गई है, उसके रास्ते भी इंशाल्लाह आसान हो गए, वो आपके लिए दुआ कर रहा है इंशाल्लाह, वो चिल्ला लगा कर वापस फिर भी आ गया है आपके लिए दुआएं की इंशाल्लाह। इधर आके स्त्री जला दी। हाँ जी स्त्री जला दी, क्योंकि होता है खान जो है ना जेबा बना रहा है अभी, कफ बना रहा है बाजों के। अच्छा हाँ जी, तो इसलिए स्त्री बखाया है, क्योंकि वो स्त्री लगानी है ना, स्त्री लगा के कफ बनती है, चेप से चिपकानी पड़ती है। हाँ कॉलर वाली। हाँ नहीं है ये बाजू कफ वाली। हाँ बाजू के कफ होते हैं। हाँ हाँ जी, और जेब होती है, गला होता है, बैन होती है, बैन गला वो बन गया है। अच्छा अभी ये रह चुके हैं दो काम बस। हाँ जी अभी सूट तैयार होने वाला है अबू जान का, इंशाल्लाह अभी तैयार होने वाला है इंशाल्लाह, पूरी सिलाई आपको दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ दिखाओ कैसी सिलाई हुई है, ये बनी हुई है बैन जो गिच्ची दे नाल खरीदी है। हाँ ये इस साइड पे। हाँ हाँ सही है। हाँ ये बैन है, ये कमीज है। हाँ ये कमीज है, ये तो सारा फटा हुआ है, फटा हुआ है अभी बनाना है, ये आड़ा हो गया है ना। अच्छा आड़ा बन गए। हाँ ये देखें, यानी इसको सिलाई करोगे फिर न्यू हो जाएगा। हाँ ये इसकी पट्टी भी लगा दी है और बाजू भी लगाने हैं। हाँ बाहा। हाँ जी जे को सरे किया दूं, सरे किया जा दूं, बाहा लावणी ने जा। अच्छा तीरा लग गया पीछे, लहोरिया चोला सीने पे लहोरिया। हाँ जी लहोरिया बना रहे हैं, लाहौर वाले देखेंगे कि कहेंगे ये तो हमारे कपड़े हैं, हमारे कपड़े हैं लाहौर वाले। अच्छा जी सही बात है, तो अबू जान का चोला ये मुझे बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है नहीं। हाँ बड़ा है बहुत बड़ा है, और ये पिछला घेरा बड़ा है तहन, तो वो आप काट के फिर लगा लेंगे। अच्छा फिर भी सही है। सही है। हाँ ये बाजू लगेगी बाद में, अच्छा बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ जी बराबर हो जाएगा, ऐसे जो सिला हुआ नहीं ना, ऐसे लपक जाता है। हाँ लपक जाता है, आपको पता नहीं चलता भी ये कैसा होता है। हाँ मुझे पता नहीं चलता, अभी कपड़े सिलाई करती हूँ हमें समझ नहीं है। चलो समझ आ जाएगी। हाँ हौले हौले। हाँ जरूर, तो इंशाल्लाह स्त्री हमारी गर्म होने वाली है, ख्याल करा है, तो तहर खान अभी इंतजार बैठा है, स्त्री गर्म होएगी तो फिर चिपकाएगा। अच्छा गर्मी बहुत है इंशाल्लाह, ये देखे हमारा बच्चा जो गर्मी में मसरूफ है, कपड़े सिलाई कर रहा है। ईद है ना, बिजली होती या प्लेटें वगैरह होती हम पक्का चला देते, इस पर मशीन लगा देते, फिर पैर के मोटर लगा देते, जल्दी जल्दी कपड़े सिलाई हो जाते। स्त्री बिजली वाली होती सोच लगा के स्त्री लगा देते कपड़े। अच्छा बिजली होती तो इनको पखा भी चला देते इंशाल्लाह, पखे गर्मी में नहीं बैठता। हाँ, अच्छा सारे काम बिजली देती ने पेन। हाँ, तो आजकल है भी सिस्टम ऐसा। अच्छा वाल बिजली वाला घर गोलू। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद गुजार के। हाँ फिर बिजली वाला की मकान ढूंढो। हाँ इंशाल्लाह हम चलते हैं बिजली वाले घर में। सही है। हाँ इस जगह पे हमारा गुजारा नहीं होता ना। सही है। हाँ हम कपड़े सिलाई करते हैं तो वो मसला बनता है, जो कपड़े धोते हैं तो मसला बनता है, हर काम में मजबूरी होती है, बिजली का मसला है। हाँ जी, और रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, कल है आप जो लकड़ी ये भी गिली है, अभी रात आपको पता है कितना टाइम लग गया हमको सेर सालन बनाते हैं, तो वो भी नहीं बाल रही। हाँ चिकन बनाते बनाते ईशा के बाद चिकन बना है। हाँ। 9:30 हमारी रोटी बनी है। हाँ, रात की, तो हम भी विलोग अंधेरे में विलोग अंधेरे में बनाया था। हाँ, बिजली भी नहीं थी और अंधेरे में बत्ती जला के थोड़ी सी बत्ती वो भी अक्की झिमका रही है। हाँ, तो हम काम किया था। सही है। हाँ जी चलो, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक अपना पंखा चलाएगा, हवा घोलेगा, इतना ठंडी ठंडी
ये देखो नहीं अल्लाह पाक हवा घोलता रहा है ना, आज जुहर के टाइम को इंशाल्लाह हवा थोड़ी थोड़ी सी घोल रही है हाँ। तो कुछ गर्मी का महसूस नहीं होता क्योंकि गर्मी कुछ नरम हो, कुछ नरम कूली थी ये गर्मी हाँ। पहले सख्त थी, करीब सख्त थी, रात की जो गर्मी थी बहुत। चलो यहाँ पर वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।